नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। पैर काटने पर अस्पताल में परिजनों का हंगामा। जी हां, बिना बताए मरीज का पैर काटने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत अखरे स्थित एक अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जहां उनको उग्र होता देख नर्सिंग होम के डॉक्टर भाग निकले। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। रैया लाड भैरव निवासी बुनकर नसीम के पैर में गांठ थी। वह अपना इलाज सरसंगलाल चिकित्सालय के ऑर्थो विभाग में करवा रहा था। इलाज के दौरान अस्पताल में उससे एक व्यक्ति ने कहा कि बीएचयू के डॉक्टर अखरे स्थित एक अस्पताल में भी मरीजों को देखते हैं। इसके बाद वह परिजनों के साथ वहां जाकर भर्ती हो गया। वहीं उसके भाई ने आरोप लगाया कि यहां पर डॉक्टर ने बताया कि पैर का ऑपरेशन करके गांठ निकाल दी जाएगी, लेकिन ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि पैर ही काट दिया गया है। जो कल घटना आपके साथ ऑपरेशन हुई, इसकी जानकारी थी आपको क्या? ना मुझे थी, ना मेरे भाइयों को थी। बस ये था पता कि उसकी सर्जरी करेंगे, वो ट्यूमर है थोड़ा सा इतना, उसको काट के निकाल देंगे, सफाई कर देंगे, उसके बाद इलाज करेंगे। फिर रात को जो है कि पता ही क्या लापरवाही हुई पूरा, जो है कि जब हमें होश आया, बाहर आए तो हम रोने लगे। हम देखे तो अभी हम नीचे गए तो हम पे हमारे भाई लोग को पता होगा, तो हमने कहा अपने भाई लोग को ये क्या कर दी, लोग कहे कि वो लोग खुद रोने लगे कि हम लोग को भी नहीं पता। तो डॉक्टर साहब ने आपको एक बार भी सूचित नहीं किया था ना परिवार? नहीं ना, हमें सूचित की ना हमारे भाइयों को। क्या करते हैं आप? हम लोग बिनाई का काम करते हैं, बिनाई बुनाई करते हैं। इस बाबत अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि भर्ती करते समय परिजनों को पैर काटने की जानकारी दी गई थी। इसको लेकर बकायदा परिजनों ने पत्र पर अंगूठा लगाया है, जिसको पढ़कर बताया गया था। डॉक्टर एसपी मदनवाल, वर्किंग एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एट रायवी हॉस्पिटल। सर, एक मरीज का आरोप लगा रहा है कि मेरा बिना बताए पैर काट दिया गया, क्या पूरा मामला है? नहीं, उस मरीज का आरोप निराधार है। उस मरीज को पहले भी 3 महीने से घाव पूरा खुला हुआ रिसाव था, जो कि बढ़ रहा था, और पूरे पैर में बे इंतहा पेन, दर्द, रोज उसको दर्द के 2-2 इंजेक्शन, 3-3 इंजेक्शन, तब भी आराम नहीं। उसकी कैंसर की रिपोर्ट आई हुई है, MRI हुई, उसमें भी कैंसर की रिपोर्ट है। हमने यहाँ से टिश्यू भी काट के भेजा हुआ है, जो कि अभी अवेटेड है आगे। तो कैंसर का डर होता है वो बाकी शरीर में फैल जाएगा, तो उसका इलाज बहुत ही असंभव है। उस चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए और इनके परिजनों भी ने भी जल्दी और बेहतर उसके लिए रिक्वेस्ट किया, तो उसकी जान बचाने के लिए हमें उसका पैर और उसको बता के किया गया है। दिल्ली में बीते 24 और 25 जून को महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर ताला बंद करने के विरोध में वाराणसी के सिंह द्वार पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली में अभी ही जून की 24 और 25 तारीख को एक ऐसा काम हुआ जैसा आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर ताला जड़ दिया गया और उसके प्रवेश द्वार पर कागज लिखी एक सूचना चिपका दी गई। राजघाट समाधि स्थल दिनांक 24 से 25 को बंद रहेगा, असुविधा के लिए खेद है। क्यों बंद रहेगा, किसके आदेश से बंद रहेगा, इसके पीछे क्या कारण है, न सरकार ने न ही अधिकारियों ने ऐसा कुछ भी बताने की जरूरत समझी, क्योंकि उन्होंने माना कि वे मालिक हैं, जो कह देंगे वही अंतिम होगा। हम यही कहने आए हैं कि आप मालिक नहीं, लोकतंत्र में यदि कोई मालिक है तो लोग मालिक है, और उस नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राजघाट के दरवाजे क्यों बंद किए गए। वाराणसी के लंका पुलिस ने मकबर द्वारा मिली सूचना के आधार पर टोल प्लाजा के पास से काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया, लेकिन वही मौका पाकर शराब तस्कर फरार हो गए। सूत्रों की माने तो पकड़े गए शराब की कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। वहीं शनिवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए लंका थाना अध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि पकड़ी गई शराब बिहार में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस शराब तस्कर व उनके सरगने की तलाश में जुट गई है। जैसे कुछ दिनों से, कुछ दिन पहले भी एक इलाहाबाद और ये अपने बनारस नेशनल इंस्टीट्यूट पे जो शराब तस्करी हो रही है, उस दिन पहले भी पता गया था। दूसरे क्रम में बीती रात में फिर से एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि फिर से एक अवैध शराब की खेप वहाँ से जा रही है, और उसी सूचना पे ट्राफिक टोल प्लाजा के आप अशोक नगर कॉलोनी का जो मोड़ है वहाँ पर हम लोगों ने घेराबंदी करके वाहनों की तलाशी ले रहे थे। सामने इलाहाबाद की तरफ से एक अकोबिया लग्जरी कार होती है, अकोबिया लग्जरी कार आ रही थी, जिसको
इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज। नमस्कार।